हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? पीयू यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं, उनको मैं काऊ पे ऐसे लिखवा रही हूँ। आज पीयू के स्कूल में काऊ के ऊपर ऐसे लिखा बोला गया है लिखने को, तो वही लिख तो वो यहाँ पे लिख रही है। और अभी 3:30 बज रहे हैं, हम लोग आफ्टरनून में सोते नहीं हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। LEGS नहीं अच्छा बनाया, ठीक करिए और L भी अच्छा से बनाइए। तो बस वही यहाँ पे चल रहा है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग आफ्टरनून में सोते हैं कि नहीं सोते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज़, यहाँ पे व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये बॉडी वॉश का रिव्यू। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप अपनी बेटी के लिए कौन सा सोप वगैरह यूज़ करती हैं। तो मैं पीहू के लिए, अपनी बेटी के लिए, ये मामा अर्थ का बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, जो कि स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट और ओट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और इस बॉडी वॉश को अगर आपका बच्चा 2 साल के ऊपर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये 300 ml का बॉटल है और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। इसमें और भी कई फ्लेवर्स आते हैं। ये पैराबिन और SLS से फ्री है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। और आप सब जानते हैं मामा अर्थ जो है वो हमारी इंडियन ब्रांड है। ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। तो जो इसका हीरो इन्ग्रीडियंट है वो है स्ट्रॉबेरी, जो कि गुडनेस से भरा हुआ है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है, ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी और स्किन को डीपली नरिश करता है। नेक्स्ट है ओट अमीनो एसिड। इट इज़ एक्सट्रीमली जेंटल ऑन द स्किन एंड हैज़ ग्रेट क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज। इट हेल्प्स स्मूदन एंड स्किन सरफेस एंड मेक्स इट सॉफ्ट। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप सब जानते हैं हमारी स्किन को कितना बढ़िया से हाइड्रेट करता है, तो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। और जो स्ट्रॉबेरी है वो हमें यूवी रेस से भी बचाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये हमारी स्किन पे एकदम जेंटल है, आपकी बेबी को बिल्कुल भी कोई भी रैशेज होने का डर नहीं है। इसमें सल्फेट नहीं है और आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप है, आपका बेबी अगर किसी भी स्किन टाइप का है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा लूफा पे लेकर के अपनी बॉडी को वेट करिए और आप इसको उसकी बच्चे की बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही जेंटल है, सॉफ्ट है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी है। और जो इसका प्राइस है वो 299 है, बट मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको एक कूपन कोड भी दूंगी, अगर आप मेरे कूपन कोड से शॉपिंग करते हैं तो आप एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, जो कि है BULBUL2021। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेंशन दिख रहा होगा। और ये आपको अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट में और मामा अर्थ की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। सो गाइज, यहाँ पीहू की पढ़ाई खत्म होती है। बेटू ये बैग ठीक करो, हटो, हटियो, ये अपना गेम हटा लीजिए और उधर से हेयर बैंड उठा के लगा लीजिएगा। तो अभी बज गए हैं 4:15 और अब मैं बनाने जा रही हूँ अदरक वाली चाय। आज मेरा अदरक वाली चाय पीने का मन हो रहा है, ग्रीन टी नहीं मन है पीने का, इसीलिए तो बनाते हैं बढ़िया सी अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। शाम को सबसे बड़ा काम होता है बर्तन लगाना, वो हो गया है, चाय चढ़ाते हैं। Thank you.
बड़ा दिन लग गया भैया, बहुत टाइम हो गया। ये लीजिए। हाँ, वो भैया को भी बुला दीजिए। तो चाय पीने के बाद मेरे गेट की बेल बजी और मैंने देखा कि हमारी फ्रिज जो है वो आ गई है। मैं मतलब डेढ़ दो महीने तो मुझे लग रहा है आराम से हो गए होंगे, टाइम मतलब डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग ने देखा ही होगा कि फ्रिज हमारे पास बहुत दिनों से नहीं थी। तो ये हमारी फ्रिज जो है वो फाइनली नई हो कर के आ गई है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे भैया लोग बोल रहे थे अंदर लेकर के आ जाएं, तो मैंने कहा हाँ आप लेकर के आ जाओ। वर्मा जी नहीं थे तो मैंने इसलिए पहले उनको बाहर ही रखा, पहले वर्मा जी से पूछ लिया। और ये छोटी वाली जो फ्रिज हमको इन्होंने दिया था उसको अभी हम अपने एक रूम में रख दे रहे हैं, क्योंकि ये बार बार ख़राब हो जाती है फ्रिज। तो दो दिन हम इसको पहले ट्रायल देंगे, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल वापस भाग जाएंगे। मैं उनके घर के अंदर घुसने का वेट कर रहा था, आराम से भाई, शक ना हो, इसलिए आंखें मूंद कर लेट गया था। वरना लोग ऐसा ही नहीं कहते, जिसका काम उसको साथ और करे रख तो डंडा बाजे। आने दे एकदम धीरे धीरे। तो दो घंटे बाद इसमें जी, दो से तीन घंटे बाद आप चालू कीजिए, क्योंकि टेम्पो में आया ना। अच्छा। ये बस ड्रामा चिपका, इतना गैप, थोड़ा आगे ले लूं? हाँ आगे लीजिए, वो एकदम वॉल के उस पे रखिए। हाँ बस ठीक है, ठीक है। देखिए खाली आपको ये लगाना है। हाँ। और फिर से ऑन करना है दो घंटे के बाद, ठीक है, 10 बजे करीब। बिल्कुल, नहीं तो अभी लगाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। तो फ्रिज लगा के ये भैया लोग जा रहे हैं, उसके बाद इन्होंने मुझे बिल वगैरह भी दे दिया था कि आपकी फ्रिज का ये सब जो खर्चा हुआ है उसका ये बिल है। सो वही यहाँ पे ये कर रहे हैं, और आज मैं अपने लिए कुछ करने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी इसके बाद। वर्मा जी जब आ गए थे तो डिनर वगैरह करने के बाद, तो गाइज़ यहाँ पे मेरी जो फ्रिज है वो आ चुकी है, न्यू हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अभी पता नहीं वो चलेगी कि नहीं, उन्होंने बोला है कि आप अभी इसको मत स्टार्ट करना, दो घंटे के बाद स्टार्ट करना। तो यहाँ पे इसके सारे ये बास्केट वगैरह भी, ये बास्केट, ये सारे ट्रेस वगैरह निकले रखे हुए हैं, तो इनको भी मुझे वॉश किया हुआ है, बट एक बार फिर से अच्छे से वॉश करके तब इसमें हम लगाएंगे। और अभी तक वर्मा जी आए नहीं हैं, 7:15 हो गया है, ये यहाँ पे हमारी फ्रिज आ चुकी है। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और कुछ करने जा रही हूँ, कुछ कराने जा रही हूँ, और हम लोगों का डिनर वगैरह सब हो चुका है, और मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। किया है व्लॉग, क्या करने जा रही हूँ आज, मैं अपने आप को पैम्पर करने जा रही हूँ। पैम्पर आज मेरा खुद का दिन है, तो मैं अपने लिए आज थोड़ा टाइम मैंने निकाला है, सबके लिए करती हूँ, सब कुछ है सही है, तो लेकिन आज मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ, मैं कुछ करवाने जा रही हूँ। एक्चुअली बहुत दिन हो गए हैं, मैंने आपको बोला था ना कि मेरे को हेयर कट, ब्लीच, फेशियल मतलब वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये देखिए आईब्रो कितने बड़े हुए हैं, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आज मैं अपने लिए मैंने टाइम निकाला है थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने के लिए। तो हम हाउसवाइफ को भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, ऐसा मैं आप लोग को भी बोलूँगी, क्योंकि हम लोग खाना बनाते हैं, बच्चा देखते हैं, परिवार देखते हैं, साफ़ सफाई, घर पूरा सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए अपने आप को भी हमें पैम्पर करना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए। सो आज मैं अपने लिए समय निकाल रही हूँ। तो बस मैंने एक पार्लर वाली दीदी है उनको बुलाया है, जिनसे मैंने मेहंदी लगवाई थी करवा चौथ पे, तो आज उनको ही मैं बुला रही हूँ। आराम से डिनर वगैरह करके फ्री होकर के अब मैं कराऊंगी अपना फेशियल, तो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूंगी कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, क्या करवा रही हूँ। अभी तो मैंने ये लोअर और टी शर्ट पहन रखा है, चेंज करूंगी, देखती हूँ क्या पहनती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या फेशियल टाइम पर मैं क्या पहनूँ, तो लेट्स सी मैं क्या चेंज करती हूँ, और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो यहाँ पे मेरी जो पार्ल ब्यूटिशियन हैं वो आ चुकी हैं, और ये देखिए मेरी आईब्रो कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई लग रही है। आपको समझ में नहीं आता है कैमरे में, लेकिन वाकई बहुत बढ़ गई थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज ही उनसे करवा रही हूँ। मुझे लग रहा है 8-9 महीने बाद तो मैं करवा ही रही होंगी बाहर से, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब करवाया है अपनी आईब्रोज। तो यहाँ पर वो मेरी आईब्रो बना रही हैं, उसके बाद मुझे फिर फेशियल करवाना है। और तो देखिए आप कैसे कैसे ये बना रही हैं। काफ़ी अच्छा किया था इन्होंने घर पे आराम से मेरा, और बाहर भी नहीं जाना पड़ा मुझे, और आराम से हो गया था। तो ये देखिए मेरी जो आईब्रो है वो बन चुकी है। और फिर इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, ये लास्ट क्लिप है जो मैंने रिकॉर्ड करा था। वो बोल रही थी आप मेरा वीडियो बना रही हो क्या, मैंने कहा हाँ। तो यहाँ मेरा फेशियल स्टार्ट हो गया है, कल इसका रिज़ल्ट आपको मैं दिखाती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।